अभी पार्टनरशिप फर्म्स में आई एम श्योर एवरीबडी इज अवेयर ऑफ कि पहले कैसे होता था कि जब भी कोई पार्टनर इंट्रोड्यूस होता था, ओके, एंड वन पार्टनर को रिटायर होना होता था, उसको निकलना रहता था और एक पार्टनर को एडमिट होना रहता था. मेनली दिस वाज यूटिलाइज्ड व्हेन देयर वाज अ बिजनेस ट्रांसफर आइदर वाज हैपनिंग और देयर इज एक्चुअली अ रीस्ट्रक्चरिंग व्हिच इज हैपनिंग. सो उसमें क्या होता था कि पार्टनरशिप फर्म्स अपने असेट्स को रीवैल्यू करता था, उसका कैपिटल अकाउंट हाइकअप हो जाता था, ओके, और वो कैपिटल अकाउंट जो हाइकअप हो जाता था उतना ही अमाउंट वो विड्रॉ कर लेता था और वो बोलता था कि भाई इसमें कोई टैक्स नहीं लगना चाहिए बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ असेट्स. ओके, दिस इज हाउ जनरली द टैक्स प्लानिंग वर हैपनिंग. अभी उन्होंने यहाँ पे एक प्रोविजन लेके आया है. उनका कहना ये है कि अगर आपने जो भी फंड जो है, अगर कोई भी टाइप का रिकंस्टिट्यूशन हो रहा है, मेरे हिसाब से इवन अगर आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोज भी चेंज हो रहा है, दिस इज ओनली अबाउट पार्टनरशिप फर्म. सो दिस इज नॉट कवरिंग LLP, वी आर टॉकिंग ओनली अबाउट पार्टनरशिप फर्म. पार्टनरशिप फर्म में अगर कहीं पे भी आपका रिकंस्टिट्यूशंस होता है, इन दैट पर्टिकुलर केस अगर वो बन जो भी पार्टनर है वो आइदर फंड विड्रॉ करता है, जो ओवर एंड अबाउट कैपिटल अकाउंट है उसका जो कैपिटल बैलेंस है उसके ऊपर अगर वो फंड विड्रॉ करता है, तो पार्टनरशिप फर्म के हाथ में वो टैक्सेबल हो जाएगा. नाउ द क्वेश्चन इज दैट हाउ विल दिस टैक्स इम्प्लीकेशन अप्लाई. सो टैक्स इम्प्लीकेशन में उन्होंने दो चीज बताई हुई है. एक चीज उन्होंने बताई हुई है कि अगर आपका कैपिटल असेट विड्रॉ हो रहा है, सो ए पार्टनरशिप फर्म के पास कोई असेट है, कैपिटल असेट है विच इज क्वालिफाइड अंडर द डेफिनेशन ऑफ कैपिटल असेट, अगर वो आप विड्रॉ कर रहे हो तो उसका जो भी फेयर मार्केट वैल्यू रहेगा वो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा. वो उस माइनस जो भी आपका कैपिटल कंपनी में है उसका जो डिफरेंस है वो कैपिटल गेन होगा. अगर आप फंड विड्रॉ कर रहे हो, सो फॉर एग्जांपल कई बार होता था कि जो पार्टनर नया एडमिट होता है वो फंड कंपनी में लेके आता था बाय वे ऑफ अ कैपिटल इंट्रोडक्शन, और जो पार्टनर था जो रिटायर होना चाहता था वो फंड लेके जाता था बाय वे ऑफ विड्रॉल ऑफ द फंड्स. इफ दैट इज टू द एक्सटेंट ऑफ कैपिटल अकाउंट, जितना भी हमारा कैपिटल में बैलेंस है उतना तक का अगर हम विड्रॉ करते हैं देर इज नो प्रॉब्लम, बट अगर हमारा विड्रॉल उसके ऊपर होता है, इन दैट पर्टिकुलर केस दैट विल बी टैक्सेबल एज कैपिटल गेन इन द हैंड्स ऑफ फर्म. ओके, नाउ द इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट दिस इज गोइंग टू बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ फर्म एज अ कैपिटल गेन. ओके, नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि इन दिस सिचुएशन अगर सपोज कोई पार्टनर जो मुझे पता है कि सर्टन स्पैन ऑफ टाइम के बाद वो पार्टनर इंट्रोड्यूस होने वाला है, ओके, सो बाय सम अरेंजमेंट मैंने पहले से ही फंड विड्रॉ कर दिया बिकॉज मैंने पहले से ही वो फंड को विड्रॉ कर दिया. नाउ द क्वेश्चन इज कि मेरा वहां पे डेबिट बैलेंस खड़ा हो गया. नाउ इन दैट सिचुएशन अगर बाद में वो पार्टनर इंट्रोड्यूस होता है और देर इज लेटर ऑन इफ देर इज अ रिकंस्टिट्यूशन हैपनिंग एंड इन केस इफ सपोज ही इज ऑल्सो ब्रिंगिंग द फंड्स इन टू द फॉर्म, then whether that kind of a transaction or that kind of planning will also get covered. तो मुझे ऐसा लग रहा है कि yes it should get covered because there are we are aware about the guard provisions also that anything which needs to be looked from the substance perspective. तो अगर हमें लग रहा है कि भाई ये transactions को overall plan ही वैसे किया हुआ है कि fund is withdrawn by the partner पहले, withdrawal होने के बाद वो नया partner admit हो रहा है और वो एडमिट होने के बाद वो फंड इंट्रोड्यूस भी कर रहा है, इन दैट पर्टिकुलर केस दिस इज वेरी मच कनेक्टेड टू द टैक्स प्लानिंग काइंड ऑफ अ सिचुएशन, और ये रीजंस के कारण उसको टैक्सेबिलिटी में गिनती हो सकती है अंडर दिस पर्टिकुलर प्रोविजन. नाउ देयर कैन ऑल्सो बी अ सिचुएशन जहां पे मैंने वो टाइम पे कोई भी विड्रॉल नहीं किया, तो मैंने पार्टनर को एडमिट किया, पार्टनर ने फंड इंट्रोड्यूस किया, अभी मैंने वो पर्टिकुलर फंड विड्रॉ नहीं किया, आई हैव नॉट विड्रॉन दैट पर्टिकुलर फंड, बट लेटर ऑन मे बी आफ्टर 1 ईयर डाउन द लाइन, 1.5 ईयर डाउन द लाइन वो फंड मैंने विड्रॉ कर लिया. नाउ इन दैट केस व्हाट विल हैपन, नाउ यू एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम एज अ असेसी एज अ पार्टनरशिप फर्म वी विल हैव टू जस्टिफाई कि दिस पर्टिकुलर विड्रॉल विच नाउ आई हैव डन इज हैविंग नो कनेक्शन विद द with that reconstitution arrangement. So this is absolutely an independent transaction. अगर हम वो justify कर पा रहे हैं, then there is no issue. मगर वो moment को अगर हम justify नहीं कर पा रहे हैं,
कि हमने वो जो बैलेंस पोर्शन विड्रॉ क्यों कर लिया, और अगर वो टाइम पे इफ द ऑफिसर इज ट्राइंग टू लिंक दिस टू ट्रांजैक्शन एंड ही इज सेइंग दैट द पर्सन हु हैज गॉट एडमिटेड एंड दैट फंड व्हिच ही वाज इंट्रोड्यूस्ड इज लेटर ऑन विड्रॉन बाय द रिटायरिंग पार्टनर, देन दे कैन ड्रॉ दैट पर्टिकुलर कनेक्शन एंड कैन से दैट ओके यू हैव विड्रॉन. Now, this can situation will arise mainly in a case where there is a debit balance of a partner. Agar hamara balance hai, there is a capital account mein, there is a balance, and if I am withdrawing to that particular extent, then there is no issue. Okay.